सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीत, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ जानकर आप एकदम चौंक जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर स्क्रीन लॉक का यूज़ करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। दोस्तों कई बार होता है हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है कहीं पर लग कर भूल जाते हैं या फिर चार्जिंग पर लगा कर कहीं चले जाते हैं, उस बीच यदि हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है वो यदि कोई टच करता है या फिर कोई छूता है या फिर उसका लॉक खोलने की कोशिश करता है तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारा मोबाइल फ़ोन किसने छुआ है या फिर टच किया है या फिर इसका लॉक खोलने की किसी ने कोशिश की है। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो किसने ओपन किया है, किसने आपका मोबाइल फ़ोन टच किया है या फिर किसने आपका मोबाइल फ़ोन लॉक खोलने की कोशिश की है, ये पता लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। दोस्तों जानने के लिए दोस्तों आप बने रहें इस वीडियो पर, बिना स्किप करें शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं उसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करें चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यदि आप आपका जो मोबाइल फ़ोन है कहीं छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं या फिर कहीं चार्ज पर लगा कर चले जाते हैं, उस बीच यदि आपकी गैर मौजूदगी में आपका मोबाइल फ़ोन कोई यदि छूता है या फिर उसको टच करके अनलॉक करने की कोशिश करता है तो अब आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो किसने छुआ, टच किया या लॉक अनलॉक करने की कोशिश किया है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वो एप्लीकेशन। पहले मैं इस एप्लीकेशन का आपको यूज़ बता देता हूँ, क्या क्या सेटिंग करनी होगी ये बता देता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताऊँ किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जो भी परमिशन मांगता है आपको उसको अलाउ कर देना है, यहाँ पर इस तरीके से इसको ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नंबर ऑफ अनलॉक अटैम्प। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ही रहता है, यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन यदि कोई अनलॉक करने की कोशिश करेगा तो एक बार में ही वो इसका फोटो कैप्चर करके आपको बता देगा जब भी आप उसका पासवर्ड करेक्ट डालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये किस तरीके से काम करता है। अब आपके मोबाइल फ़ोन में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉक लगा हो स्क्रीन पर, चाहे वो पैटर्न लॉक हो या फिर पिन लॉक, फिलहाल मेरा जो मोबाइल फ़ोन है इस पर पिन लॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं लॉक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ इस तरीके से, और फिर अब मैं करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ। देखिए अब देखिए जो रॉन्ग पासवर्ड डाला था उस बीच इसने फोटो कैप्चर कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में कि वन रॉन्ग अटेम्प्ट इन योर लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पर आप जैसे ही टच करते हैं तो आपको ये बता देगा कि किसने, मतलब किसने यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश की है, उसकी फ़ोटो इस तरीके से आपके फ़ोन पर आ जाएगी और आप ये पता लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो किसने अनलॉक करने की कोशिश की है। और दोस्तों इसमें आपको इस एप्लीकेशन पर एक ऑप्शन और मिल जाता है, जो कि यदि आप चाहें कि आपकी जो गूगल ड्राइव है उस पर बैकअप लेना है या फिर डायरेक्टली आप चाहते हैं जो भी इमेज कैप्चर हुई है वो आपकी मेल आईडी पे जाए, तो इस तरीके से इसको गूगल बैकअप को ऑन कर देंगे तो आपकी मेल आईडी पे आपकी जो भी आपका मोबाइल फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करेगा उसकी फ़ोटो चली जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि किसने आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो अनलॉक करने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इस एप्लीकेशन को आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का, इस लॉक का डाउनलोडिंग लिंक दे दिया है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से इस एप्लीकेशन को, इस लॉक को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर वीडियो का ये जो नाम होता है टाइटल, इसके सामने आप यहाँ पर एक एरो है इसको, इस पर टच करना है। जैसे ही आप टच करते हैं नीचे की तरफ में आएंगे तो आप, आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर डाउनलोड ऐप क्लिक हेयर, यहाँ पर नीले कलर से एक लिंक दी हुई होगी। जैसे ही आप टच करेंगे तो इस एप्लीकेशन को, इस लॉक को आप आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है इसको दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहाँ से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आप देख रहे हैं इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उस बेल आइकन को, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।